है बिशंबर साहब कि भारतीय सेना चीन के सैनिक जवाबी कार्रवाई में मार के आएगी तो हमें चीन से सबूत का इंतजार करना पड़ेगा। अपनी सेना कहेगी तो हम यकीन नहीं मानेंगे, उस पर सवाल उठाते रहेंगे, वहां से झूठी झूठी कब्रों की फोटो लाके दिखाते रहेंगे कि देखो इसकी कब्र पे तो चाइनीज में लिखा है, हिंदुस्तानियों ने गलत पढ़ लिया कि ये तो साल 2000 में मारा गया था, 2020 में नहीं मारा गया, ये स्थिति आ गई है। रोहित देखिए, मैं दो तीन चीजें बहुत जल्दी से बोलूंगा। एक तो मैं वहां से शुरू करूंगा जहां से जनरल वीके सिंह ने बोला। अगर आप उम्मीद करते हो कि चाइना जो है वो आपको सच बोलेगा या चाइना कभी कुछ बताएगा या पाकिस्तान सच बोलेगा, तो ये आपका भ्रम है, ये भ्रम है। चाइना और पाकिस्तान आज से नहीं, जब से बने हैं, दोनों झूठ बोलते हैं। उनका सारा का सारा मुद्दा झूठ पे और उनका कॉन्स्पिरेसी और सीक्रेसी पर सारा वो करता है। और जहां तक चाइना की बात है, देखिए चाइना ने 62 में भी झूठ बोला था, उसने बहुत सैनिक खोए थे, जितने हमसे ज्यादा लोग उनके 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 हताहत हुए थे। तो चाइना झूठ बोलता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरी बात, एक शायद स्लिप ऑफ द टंग कहूंगा जन कुलकर्णी का, मेरे बड़े हैं, मैं उनको नहीं ठीक करा। भारतीय सेना किसी सरकार की नहीं, हम सरकार की सेना नहीं है, हम भारत वर्ष की सेना है साहब। और भारत जो है वो पार्टियों की सरकारें आती है और भारत को जैसे चलाती है ऐसे वो सेना को भी डायरेक्शन देती है। आज बीजेपी की सरकार है, देश की सरकार है, तो भारतीय सेना है वो उसका जैसे, और उसका अच्छा बुरा जो सेना जो जैसे झेलती है सरकारें झेल रही है। लेकिन भारतीय सेना भारत की सेना है और भारतीय सेना कुछ असूलों पे कुछ मुद्दों पर टिकी हुई है साहब। हम कभी भी, मैंने उस दिन भी बोला था रोहित, देखिए ये प्रोसेस है, अभी इस प्रोसेस में एक वो कुछ पीछे गए हैं, फिंगर फोर से पीछे गए हैं, हम कहीं पीछे आए, ये प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है और इसका एंड स्टेट देखेंगे क्या है। मैं उस दिन भी कहा था नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, मैं सोचता हूँ एंड स्टेट में वो अगर लूज करते हैं तो वो उनकी उनकी आनी है, किसी की नहीं। इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी का कसम उन्होंने लिया है ना, ये नॉर्दर्न आर्मी कमांड की जिम्मेवारी है। तो जो जमीन पर हालात है उनके लिए वो जिम्मेवार है और वो इसको करेंगे। लेकिन जहां तक बात है कैजुअल्टीज की, जिस दिन भारत और चाइना का उस दिन मुठभेड़ हुआ, जिस दिन हमारे बहादुर सैनिक भी सिपाही शहीद हुए, मैंने उस दिन भी कहा था कोई दुनिया की सेना ऐसी नहीं है जो भारत की सेना से मुठभेड़ करेगी और बगैर उस्ताद जाएगी। हमारे सैनिक अगर दो हाथ हुए थे और हमने 20 जवान खोए हैं तो भारतीय सेना ने चाइना को इसका सबक सिखाया होगा। और मैं कह रहा था जारी रखो, मैं तो ये भी नहीं कह रहा था रोक दो, क्योंकि मुझे पता है ग्राउंड पे भारतीय सेना पाकिस्तान में जाके मारेगी तो हमारे यहाँ कहा जाएगा कि पाकिस्तान के यहाँ तो आप पेड़ गिरा के आए हो, केवल चीन में जाके मारेगी तो यहाँ कहा जाएगा कि यहाँ तो चीन से तो एक भी लाश जाती हुई नहीं दिखी हमें। सेना क्या वीडियो कैमरा साथ में लेके जाएगी वीडियोग्राफी करने के लिए? रोहित ये कोई वीडियो की जरूरत नहीं है, फिजिकल एनकाउंटर है। इस देश को, पूरे देश के हर नागरिक को भरोसा होना चाहिए, कारगिल एक फिजिकल एनकाउंटर था, 1971 वॉर एक फिजिकल एनकाउंटर में भारतीय सेना बहुत भारी पड़ती है, बिकॉज हम बहुत ट्रेंड है, बहुत प्रोफेशनल है, बहुत देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। भारतीय सैनिक की आप जानते ही नहीं, आम आदमी भारतीय सोच नहीं सकता कि वो किस जज्बे से सैनिक बनाए, किस तरह का किस मिट्टी का बनाए और उस मिट्टी को कैसे हम लोग ट्रेन करते हैं, ये आम आदमी नहीं सोच सकता साहब। ये सोचना भी दुर्भाग्य होगा। चीन तरह 4-5 ये कोई मतलब नहीं है, टिकट का मतलब नहीं है। उस दिन चीन को भारत ने एक सबक सिखाया है और वो सबक दूर तक गया है। और मेरा मानना यह है कि वो चीन को इस चंगुल से मत निकलने दो, मेरी अपनी, मैं आज भी ये कह रहा हूं, चीन एक चंगुल में फंसा है, उसने सोचा था कुछ, लेकिन भारतीय सेना ने जिस तरह से कार्रवाई की साहब वो आज हल्का पड़ा हुआ है।